वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब बारी है एक चावल की इंडोनेशियन राइस टर्मरिक के साथ। नासी गोरेंग तो मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन आज बनाएंगे नासी कुनिंग, नासी चावल कुनिंग हल्दी। अब इसके लिए जो हल्दी है ये ताजी वाली हल्दी, और इसे स्लाइस करके यंग हल्दी, अदरक जैसी बिल्कुल, और इसे लेकर इसमें डालेंगे पानी। चलिए ये हो गई हल्दी तैयार। अब चावल लेकर, अच्छा इसके लिए बासमती चावल वगैरह की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहां पर लिए हैं कोलम राइस। और अब इसके अंदर कुछ चीजें डालनी है, जैसे ये मेरे पास लेमन ग्रास, हल्का सा उसे क्रश करके ये लेमन ग्रास डाल दी। उसके साथ साथ बे लीफ, अगर सलाम लीफ मिले तो वो डालें इसके अंदर। और इसके अंदर डालना है कोकोनट मिल्क, जी हाँ थिक कोकोनट मिल्क, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। और अब ये हमारे पास जो हल्दी है इसको छान के इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए, और इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा स्टॉक या पानी, इसे हमने पकने देना है। और इसको सर्व करने के लिए जब ये चावल पक जाता है तो इसको कोन के शेप में सर्व किया जाता है, मतलब लंबा कोन नहीं, थोड़ा छोटा ही, ऐसे ही कोनिकल शेप में इसे सर्व करते हैं। मोल्ड डाल के कोनिकल शेप में इसको सर्व करें, लेकिन उससे पहले इसे पकने दें। हाँ, ऊपर से आप इसके फ्राइड शैलट्स जरूर डालें। बस ये जो चावल है अब देखिए ये पकना शुरू हो गया है, ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर रख देते हैं हम, ताकि ये जो चावल हैं पूरी तरह से गल जाएं, पक जाएं, और फिर इसे परोसें गर्मा गर्म। हाँ, कोनिकल शेप। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चावल, पानी में भीगा हुआ, 1.5 इंच का टुकड़ा ताजी हल्दी का स्लाइस किया हुआ, 1 इंच की डंडी लेमन ग्रास की, 2 तेज पत्ते, 1 कप नारियल का दूध, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 कप वेजिटेबल स्टॉक या पानी, आधा इंच का टुकड़ा गलंगल का पीसा हुआ, और 2 बड़े चम्मच छोटी प्याज स्लाइस की और तली हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में चावल, लेमन ग्रास, तेज पत्ते, नारियल का दूध और नमक डालकर मिक्स कर लें। ताजी हल्दी को पीस कर चावल में डालें और इसे मिला लें। इसके साथ 2 कप वेजिटेबल स्टॉक और हल्दी पाउडर डालकर उबाल लें, और अगर आप चाहें तो इसमें गलंगल डालकर ढककर चावल गलने तक पकाएं। फिर इसमें से तेज पत्ता निकाल कर इसे एक कोनिकल मोल्ड में डालकर दबाएं, और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर तली प्याज से सजाएं और तुरंत सर्व करें।